हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल मिक्स वेज की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनके ये तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ प्रिपरेशन। यहाँ पर वेजीज़ को हमें चॉप करके रखना है। तो यहाँ मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसका हम मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट रेडी कर लेंगे। और मैंने यहाँ दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करना है। और ये मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 10 के करीब ये लहसुन की कलियाँ हैं और 5 हरी मिर्च है। इसका या तो मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट रेडी कर लें या फिर इसको बहुत ज़्यादा फाइन चॉप कर लें। और साथ ही मैंने ये एक गोभी का फूल लिया है, मीडियम साइज़ का ही है। इसको भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर एक साइड रख लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ ये फ्रेंच बीन्स ली हैं, मैंने 6 से 7 ली हैं और 1 इंच के टुकड़ों में हम इसको काट लेंगे। और आधा कप लेंगे हम मटर के दाने। और यहाँ ये एक गाजर ली है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। इसको हम 1 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ लिया है 150 ग्राम पनीर, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। तो प्रिपरेशन हमारा हो चुका है और अब हम रेडी करेंगे रेसिपी को। तो हमें सबसे पहले वेजीज़ को फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये ले ली है एक वोक, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो 3/4 कप ऑयल ऐड किया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है, अभी फ्लेम हाई है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ्राई करेंगे सबसे पहले गोभी को। और गोभी को हमें यहाँ गोल्डन मार्क्स आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए गोभी में अच्छे से गोल्डन मार्क्स आ गए हैं। और इसको हम आप किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे फ्रेंच बीन्स को। फ्रेंच बीन्स को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंच बीन्स फ्राई हो गई हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे और उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, और गाजर को हमें फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे गाजर भी फ्राई हो गई है, इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम फ्राई करेंगे मटर को। तो मटर को भी हमें यहाँ फ्राई करना है। तो मटर बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसको हम 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो मटर हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब फ्लेम को हम कर लेंगे स्लो। और इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, जो मैंने पहले ही फाइन चॉप करके रखी थी। फ्लेम को हाई कर लेंगे और प्याज को हमें यहाँ ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। प्याज को हमें यहाँ बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है फ्राई। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ ऐड किया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और 3/4 छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च को। तो आप लाल मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मसालों को अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ, और अब हम इसको भून लेंगे जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। और अब फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पर ही हम मसालों को भूनेंगे। तो हमें यहाँ पे मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। ये देखिए ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसे हुए टमाटर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने इसमें अभी 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। और अब हम इनको बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो भूनने में हमें यहाँ 5 से 8 मिनट लग जाएंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसमें वेजीज़ को ऐड करेंगे। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो इसमें अब हम जो सब्ज़ियाँ हमने फ्राई करके रखी थी वो सब ऐड कर देंगे। इनको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। तो मैंने 1/2 छोटा चम्मच इसमें हींग ऐड की है। हींग को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो मैंने 1/4 कप पानी लिया है। अब वेजीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि मसाला जो है वो सारी वेजीज़ में अच्छे से लग जाएगा। और अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा
कुक नहीं करना है, जिससे कि सब्जियों का बिल्कुल भरता बन जाए। और ये देखिए सब्जियां हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, एकदम खड़ी खड़ी सब्जियां हैं। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पनीर के क्यूब्स। आप चाहें तो पनीर को इसमें फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पनीर को ऐसे ही ऐड किया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो सब्जियां एकदम मैश हो जाएंगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करके हम बहुत हल्के हाथों से सब्जियों को मिक्स कर देंगे और बस हमारी सब्जियां हो गई हैं रेडी। अब फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और इसको हम करेंगे सर्व। तो ये बहुत ही डिलीशियस होती है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।